वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह मुसलमानों को डिस्टर्ब किया जाए। अभी हाल ही में मिलिंद एकबोटे ने जो पुलिस वालों पर और आईबी पे इल्ज़ाम लगाया है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कोंडवा के अंदर आतंकवाद का स्लीपिंग सेल है और आईबी की रिपोर्ट है और कोंडवा एक मिनी पाकिस्तान है, उसको गिरफ्तार करने में इतना टाइम लगाया गया क्या उसने हाईकोर्ट से बेल लेकर आए। वो ख़त्म नहीं हुआ तो वसीम रिजवी जो हमेशा आरएसएस और बीजेपी के साथ है और हमेशा वो कुछ ना कुछ बकता रहता है, पूरी कोशिश थी कि शिया जमात और सुन्नी जमात आपस में ये लोग झगड़ा कर ले, रास्ते पे आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महाराष्ट्र के शिया उलमा के प्रेसिडेंट और हमारे अहले सुन्नतुल जमात के मौलाना अय्यूब अशरफी साहब आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रिजवी की कोशिश ये थी कि वो इस अपने खबीस और पलीद अमल से शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तलाफ पैदा करे और उनके दरमियान दूरियां बढ़ाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन सबब खैर हो जाता है। फारसी में कहा जाता है कि अदू शवद सबब खैर दर खुदा खारा, कि दुश्मन जो होता है सबब खैर हो जाता है। और उसके इस अमल से हम सब ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के शिया और सुन्नी दोनों ने मिलकर इस खबीस के ख़िलाफ़, इस पलीद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और बरादरान अहले सुन्नत ने भी ये बात जान ली कि शिया हज़रात किस तरीके से कुरान से मोहब्बत करते हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जो मरकज़ इत्तेहाद है तमाम मसलकों के लिए। हमें जुज़ियात में इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुन्नी और शिया के दरमियान इख्तलाफ है, फिर उसके बाद अहले सुन्नत के जो मसालिक हैं उनके दरमियान जुज़ी इख्तलाफ पाए जाते हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी जामे और इलाही किताब है कि जिसमें हम सब मुत्तफिक हैं। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से पूना में अभी हमने कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया है और उनसे भी यही बात कही कि हम बे इंतहा नाराज़ हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। और इस जगह से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम लोग जब तक वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, शिया और सुन्नी दोनों मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये तो अभी एहतजाज का आगाज़ है, एहतजाज की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ तमाम लोगों से ये इल्तिजा करेंगे कि जो भी एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, वह हिंदुस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी गुजारिश है कि जो उसने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो रद्द कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए और अपने जज्बात हुकूमत वक्त तक पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मिलकर यहाँ पर आए थे। मेमोरेंडम जो है वो कलेक्टर को पेश किया गया, इसमें तमाम मुसलमानों ने पूना की जानिब से अपने गम गुस्से का इजहार किया गया है। आज वो ज़माना नहीं रहा कि अफवाहों के ज़रिए या छोटी मोटी बातों के ज़रिए हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा कर ले और हमें आपस में लड़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इस वक्त बेदार हो चुके हैं, वो जानते हैं कि मुखालिफीन इस्लाम और मुसलमान क्या क्या साजिशें हमारे खिलाफ करते हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीक़ों से वह हमारे सामने आते हैं। हमने हर बार अपने इतिहाद और मोहब्बत का मुजाहरा किया है, इस वक्त भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। और कुरान के ख़िलाफ़ ये इस तरह की ये कोई पहली साजिश नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की साजिशें उठती रही और वह हर बार अपना दम तोड़ती रही। इस बार भी हमें यकीन है कि ये वसीम रजवी मलबून ने जो PIL दाखिल किया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला वह खारिज कर दी जाएगी। और ये जहाँ तक जानता हूँ 1986 के अंदर भी जान मल चोपड़ा ने
कलकत्ता हाई कोर्ट में इस तरह की एक रिट दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था और वो अपने मुँह की उन लोगों ने खाई थी। इस वक्त भी वसीम रिज़वी ने ये नापाक हरकत की है और इसके पीछे जो लोग हैं ज़माना उन सबको जानता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये अपने इरादों में नाकाम और नामुराद होंगे और कुरान जो अल्लाह की किताब है और जिसका रोज़ अव्वल से ये चैलेंज है कि अल्लाह की किताब है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलिमात को तब्दीली नहीं है, इसमें न किसी ज़बर ज़ेर का फ़र्क आ सकता है न नुक्ते का फ़र्क आ सकता है। ये सारी इंसानियत की हिदायत की किताब है और उसके अंदर कहीं कोई बात कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं लिखा है जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँचे या फिर जो है इंसानी मुआशरा जिससे बिखर जाए। ये मोहब्बत की किताब है, अमन की किताब है और लोगों की हिदायत की किताब है। लोगों को ये बतानी आई है कि उनका खालिक व मालिक कौन है और उनको किसके सामने झुकना चाहिए और इंसानियत क्या है ये बताने वाली किताब है। ये आतंकवाद फैलाने वाली किताब नहीं, आतंकवाद को ख़त्म करने वाली और उसे इस दुनिया से नाबूद करने वाली किताब है। यही वो किताब है जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर एक नाक इंसान को भी कत्ल करता है तो वो एक इंसान का नहीं सारी इंसानियत का कत्ल होता है और अगर कोई एक शख्स इंसान को बचाता है तो एक इंसान को नहीं सारी इंसानियत को बचाता है। ऐसी आला किताब और ऐसा आला दर्स व सबक देने वाली किताब हरगिज़ हरगिज़ ये आतंकवाद फैलाने वाली नहीं बल्कि इंसानियत को राह रास्त पर लाने वाली किताब है। हम हुकूमत वक्त से और सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करते हैं कि इस्लाम और कुरान के पैगाम को सही तौर पर समझ करके हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो उठने वाली आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को दबाया जाए, उन्हें कुचला जाए और मुसलमानों ने हिंद ने सारी दुनिया के मुसलमान वैसे आहत हुए हैं उनकी इस तकलीफ में। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देना चाहिए कि आइंदा वसीम रिज़वी जैसा कोई दूसरा शख्स हमारे हिंदुस्तान में पैदा ना हो और ये मोहब्बत का पैगाम जो शिया उलमा की जानिब से फैलाया गया पूरे हिंदुस्तान में हम इसका खैर मकदम करते हैं और इनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब कभी कुरान इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ या हमारे मुल्क के खिलाफ कोई आवाज़ उठेंगी हम पूरे इत्तेहाद और पूरी ताकत के साथ उसका सामना करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज कुछ जमाती तंजीम शहर पूना के जिम्मेदारान जिसमें जनाब जाहिद भाई सदर महाराष्ट्र सेक्शन कमेटी मौलाना असलम रिज़वी साहब सदर महाराष्ट्र शिया उलमा और मौलाना अजीब शफी साहब सदर अहले सुन्नत जमात और जमात इस्लामी की जानिब से ज़िला कलेक्टर को एक मुनदम दिया गया और वसीम रिज़वी की जो बेहूदगी है इसके ख़िलाफ़ जो है मजम्मत करते हुए एक मोमेंडम दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब अपनी आवाज़ को गम गुस्से को होम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। इस ज़मन में दो बातें अर्ज करनी है। पहली बात ये कि लोग बहुत पहले ही से कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं इस्लाम दुश्मन अनासिर और हर बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। इस बार भी वसीम रिज़वी ने कोशिश की है कि इसके ज़रिए से शिया सुन्नी इत्तेहाद को जो है दरार डाली जाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में शिया उलमा ने जिस तरह से वसीम रिज़वी को मजम्मत की है कंडम की है वो अपने इरादों में नाकाम हुआ है। और दूसरी बात ये है इसके ज़रिए से दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि कुरान मजीद पूरी इंसानियत के हिदायत की किताब है, ये जिस मज़हब की तालीम देता है उस मज़हब का नाम इस्लाम है और इस्लाम के माने ही पीस और अमन के हैं या अमन की तालीम देता है। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जहाँ अमन की तालीम देता है वहीं पे जुल्म नाइंसाफ़ी और गरीबों यतीमों और मजलूम तबक़ात के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ भी क़यामत तक के लिए एक आवाज़ है। तो ये भी कुरान मजीद का पैगाम है। इस मौके से हम मुसलमानों के पास एक चैलेंज और मौका है कि हम बिरादरान वतन तक कुरान की इन तालीमात को लेकर जाएँ, कुरान का तारुफ़ कराएँ। एक अच्छा मौका है और ऐसे मलून किस्म के लोग हर ज़माने में उठते रहे हैं और मुँह की खाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस PIL को जो है पहले की तरह रद्द कर देगा और वसीम रिज़वी अपने इरादों में नाकाम होगा और हम शिया सुन्नी इत्तेहाद के साथ इस मुल्क की तामीर के लिए आगे आते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।